चमोली जिला अस्पताल में आंखों के इलाज के लिए अब अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं। बता दें कि ICICI फाउंडेशन ने आंखों के उपचार के लिए जिला अस्पताल को अत्याधुनिक ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप और याग लेजर मशीन उपलब्ध करा दी है। वहीं जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने गुरुवार को जिला अस्पताल में इन मशीनों का शुभारंभ करते हुए बधाई दी। जिलाधिकारी ने कहा कि ICICI फाउंडेशन द्वारा जिला अस्पताल को नेत्र रोग के इलाज में जो भी सहायक अत्याधुनिक मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं, वो निश्चित रूप से ही सीमांत जनपद के लोगों के लिए भी फायदेमंद साबित होगी। इसी क्रम में उन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में ICICI फाउंडेशन की प्रशंसा करते हुए सीमांत क्षेत्रों में शिक्षा को भी आगे बढ़ाने में फाउंडेशन से सहयोग की अपेक्षा की। चमोली से संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट। ICICI बैंक फाउंडेशन के सहयोग से जिला चिकित्सालय में जो नेत्र विभाग है उनको उच्च कोटि के कुछ इक्विपमेंट्स उपलब्ध कराए गए हैं, जिनकी जो लागत है वो करीब 35 से 36 लाख के करीब बताई गई है। और जो यहाँ के जो नेत्र विभाग में चिकित्सक हैं उनके द्वारा जो सूचना दी गई थी कि बहुत से ऐसे हमारे पेशेंट्स हैं जो जिनको कैटरेक्ट के बाद कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं और उसको हमें ना चाहते हुए भी हमें हायर सेंटर के लिए रेफ़र करना पड़ता था इक्विपमेंट के अभाव में, बट इस इक्विपमेंट को प्राप्त करने के बाद बहुत से ऐसे हमारे जो पेशेंट हैं उनको हम यहीं भुवनेश्वर में ही जिला अस्पताल में हम इलाज उपलब्ध करा पाएंगे।